राजा। ये क्या कर रहा है? बाबा तन्वीर ने हुक्म दिया है कि तुझे और इस लड़की को गोली मार दे। क्या? ये बाबा तन्वीर, ये बाबा तन्वीर कौन है? बाबा तन्वीर एक इंटरनेशनल आतंकवादी। इक्कीस मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। वही बाबा तन्वीर जिस पर 5 करोड़ रुपए का इनाम है। वही बाबा तन्वीर जिसके नाम को सुनते ही लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। उसी बाबा तन्वीर ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम दोनों को गोली मार दूं। देख शमशेर, तू ऐसा नहीं कर सकता यार। तू मेरा दोस्त है यार, तू ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे? बाबा तन्वीर हमारा खुदा है। खुदा के अल्फाजों को अंजाम देना मेरा ईमान है। पार्वती ठाकुर बोल रही हूँ। हम लोगों का शक बिल्कुल सही निकला, ये दोनों आतंकवादी हैं। तुरंत फोर्स लेके यहाँ पहुंचो। हमें इन्हें जिंदा गिरफ्तार करना है। क्या होगा इन्हें जिंदा गिरफ्तार करके? क्या होगा? आज अगर हमें इन्हें गिरफ्तार करेंगे, कल इन्हीं के आदमी इन्हें छुड़वाने के लिए किसी प्लेन को हाईजैक करेंगे या फिर किसी मंत्री का अपहरण करेंगे, फिर हमें इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल अदालत के सामने इन्हें ठोस सजा दिलवाने के लिए हमारे पास कोई सबूत कोई गवाह नहीं होगा और इन्हें थोड़ी सी सजा होगी। जेल में अच्छे चाल चलन का नाटक करेंगे, सजा और कम होगी, फिर 2-4 साल में छूट जाएंगे, फिर रियलिटी शो में जाएंगे, फिर उसी शो में अपने आप को बहुत इमोशनल और सीरियस साबित करेंगे जनता के सामने, फिर इलेक्शन लड़के मंत्री बनेंगे और जनता का खून पियेंगे और हम इन्हें सलूट करेंगे। इसलिए मैडम, इनका मरना ही बेहतर है। इंस्पेक्टर खान, अपने भावनाओं और अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। हम लोग अपने फर्ज के जंजीरों में बंधे हैं, इन्हें गिरफ्तार करो। ले चलो इनको।